अभी नीचे ओला की गाड़ी आ चुकी है मुझे लेने के लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो सिर्फ हस्बैंड मुझे गाड़ी में बैठाने वाले हैं और लाडो को पता नहीं कि मैं जाने वाली हूँ। और आदि थोड़ा सा उदास है कि लाडो इसको बहुत परेशान करती है, बहुत मतलब ये कम, लाडो इसको ज्यादा परेशान करती है। और मम्मी लास्ट मोमेंट में पूजा कर रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, तो डेली पूजा पाठ यही करते हैं। तो आज इनको मैं मना की हूँ ना आने से, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो रखी है। वो तो काढ़ा तीनों टाइम दे रही हूँ, इसीलिए इनको अभी तक बुखार नहीं आया। फ्रेश गिलोय, फ्रेश तुलसी पत्ता, कच्चा हल्दी, ये सब मिला करके मैं काढ़ा बना करके दे रही हूँ, और भी चीजें डाल रही हूँ। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ, अभी मैं जाऊंगी बांद्रा स्टेशन, और वहां से जो भी होगा वो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में कि कैसे मैं योग्राम पहुंचती हूँ, तो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलने वाला है। ये लोग मुझे छोड़ने के लिए आए, तो आदि का तो चेहरा देखो पता चल रहा है किसको समझ में आ रहा है मम्मी जा रही है, पर लाडो को लग रहा है कि ये हम लोग के साथ जा रही है, इसको नहीं मालूम है मम्मी इसको छोड़ के जा रही है। ये दादी को कह रही है भाई देखिए मम्मी पीछे से आ रही है, कि उनको सीढ़ी से उतरने में टाइम लगता है, उनको पैरों में सब प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत आराम आराम से पीछे से आ रही है। गाड़ी वाली यहीं के आसपास है क्या? हाँ, हाँ, आ जाइए, गाड़ी आ गई। लाडो को रोना स्टार्ट हो गया है, उसे समझ में आ गया कि मम्मी जाने वाली है। बहुत रो रही थी आपने देखा, अभी 15 दिन उसको मेरे बिना रहना है। तो अभी मैं भैया के साथ जा रही हूँ, उन्होंने बताया कि 44 किलोमीटर यानी 44 किलोमीटर दूर है मेरे घर से बांद्रा स्टेशन। स्टेशन के पास पहुंच गए, बस ये स्टेशन ही है, तो अभी मैं उतरूंगी सामान के साथ। पहुंच गए, अभी 11:14 हो रहा है और 12:45 का मेरा ट्रेन है, और यही ट्रेन है और ये खड़ी है अभी, तो मुझे यहाँ ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं अभी जाऊंगी अपने बॉगी में और वहाँ पे बैठूंगी, तो आराम मिल जाएगा कि चलो ट्रेन आएगी, ट्रेन छूट जाएगी, कब आएगी, ये इंतजार करना नहीं पड़ा। तो अभी बहुत टाइम है, लगभग 1.5 घंटे हैं, और यही ट्रेन है जो सामने खड़ी है। अभी 11:30 बज रहा है और 12:45 की ट्रेन है, तो मैं तो बहुत जल्दी स्टेशन पहुंच गई, तो अपना सामान ऊपर रख दी, ये मेरा ऊपर का बर्थ है, तो अपना ट्रॉली वहां रख दी, बैग जो लेकर के आई थी वो भी रख दी, और साइड बैग तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा, एक सामान हमेशा अपने पास रहना चाहिए, अगर चोरी हो गया तो कुछ तो अपने पास हो। तो अभी मुझे लगभग 1.25 घंटा इंतजार करना पड़ेगा ट्रेन खुलने का, तो मैं घर पे इन्फॉर्म कर दी हूँ हस्बैंड को कि हाँ मैं स्टेशन पहुँच गई और ट्रेन भी पकड़ ली हूँ। तो देखते हैं योग्राम का सफ़र कैसा रहता है, ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है। अभी घर पे कॉल की तो पता चला कि बेटी रोना बंद कर दी है, उसको पापा कुछ दे दिए थे खाने पीने का उसका पसंद का चीज़, तो वो खुश हो गई है, उसको ध्यान नहीं है कि मम्मी चली गई है 15 दिन के लिए, उसको लग रहा है ना कि मम्मी आएगी। अंदर तो आ गई और अभी बहुत कम लोग हैं, लगभग 8-10 लोग ही हैं, क्योंकि अभी 1 घंटा टाइम है ट्रेन खुलने में। भूख लग रही, घर से खा के निकली और जो खा के निकली वही टिफिन में, लंच के लिए भी और डिनर के रूप में भी वही सेम टू सेम है, तीनों टाइम एक ही खाना। मैं सोच नहीं पा रही उसको खाने के बारे में, तो सोची कि चलो बाहर में थोड़ा सा इडली वगैरह ढूंढ लेती हूँ, अगर इडली मिल गया तो इडली खा सकती हूँ, पर इडली भी नहीं मिला, समोसा बड़ा पाव था वो तो मैं खाने वाली नहीं हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है अकेले सफ़र कर रहे हैं। तो अभी वापी पहुँचे हैं, अभी बहुत लंबा जर्नी है, अभी लगभग दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मैं अभी घड़ी चेक नहीं की हूँ, तो अभी लगभग 24 घंटे का ट्रैवल अभी और बचा हुआ है। लेटी हुई थी तो अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं नीचे आकर के बैठी, तो अभी ठीक लग रहा है, लेटे लेटे सर में दर्द हो गया था। देखते सफ़र कैसा होता है वो तो आपको पता चल जाएगा। अभी बड़ोदरा जंक्शन में पहुंची हूँ, तो यहाँ तो सब प्लेटफॉर्म में घूम रही हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मुझे पता चल रहा है कि योग्राम में
ठंड बढ़ गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है सुबह और शाम के टाइम में। सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि मैडम यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी है, तो अगर आप योग्राम में आ रही है तो प्लीज़ ठंडे कपड़े स्वेटर वगैरह लेकर के आइए हस्बैंड का और मुझे दे दीजिएगा। तो मैं खैर अभी तो ट्रेन पकड़ चुकी हूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुद के लिए दो स्वेटर, शॉल, स्टॉल, ग्लव्स ये इमरजेंसी बेसिस पे मैं ले ली थी, तो वो तो मैं खुद यूज़ करूँगी। और यही बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग योग्राम आने वाले हैं तो पहले जान लीजिए कि योग्राम का अभी मौसम कैसा है। लेकिन अगर ठंड हो या ना हो फिर भी योग्राम पहाड़ों के बीच में चारों तरफ जंगल ही समझिए, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो सुबह 4 बजे हमें जाना पड़ता है इनेमा वगैरह लेने के लिए, तो ठंड हो सकती है। तो इमरजेंसी बेसिस पे कम से कम आप एक स्वेटर, मतलब स्वेटर नहीं तो कम से कम मोटे कपड़े ज़रूर रखिएगा, बहुत पतले या छोटे कपड़े मत रखिएगा वरना ठंड लग सकती है। एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है तो उस टाइम में थोड़ी सी ठंड लगेगी और लगभग रात 8 बजे के आसपास ठंड लगती है, पूरे दिन ठंड नहीं लगती है। तो सोच समझ करके अपनी पैकिंग कीजिएगा। और खैर मैं जब भी योग्राम पहुँचूँगी तो मैं वहाँ पर एक वीडियो बना दूँगी कि योग्राम में आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, तो वो वीडियो मैं अलग से बना दूँगी। तो डेली मैं 2 से 3 वीडियो बनाने वाली हूँ और दोनों चैनल पे डालने वाली हूँ। मेरे जो 2 यूट्यूब चैनल है सब पे मैं दोनों चैनल पे रेगुलर वीडियो डालने वाली हूँ। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी मैं सोने जा रही हूँ और फिर सुबह उठूँगी और कल दोपहर मुझे पहुँचना है हरिद्वार। तो हरिद्वार स्टेशन से कैसे वाल्मीकि आश्रम योगपीठ जाते हैं उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। और वो ब्लॉग मैं दोनों चैनल में डालूंगी, तो दोनों ब्लॉग अलग अलग होगा। योग्राम चैनल के लिए अलग वीडियो होगा और ये जो मेरा ब्लॉग चैनल है इसके लिए अलग से वीडियो होगा। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।